हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सिक्स क्वेश्चन, 5.3 का सिक्स क्वेश्चन। देखो ये क्या दे रखा है, ये कौन से फंक्शन है आपके, बताए थे मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन, जिन फंक्शंस में हम वाई को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। हमें ये सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, एक्स सी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू में 81। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे डिफरेंशिएट। देखो एक्स की पावर पहले 3 का करेंगे, दोनों तरफ करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स की पावर 3 में पहले पावर का करेंगे, तो पावर कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी और फिर एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा प्लस में। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन का कर दिया, देखो यूवी में करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा और y को मैंने एज इट इज उतार लिया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 2x और y को एज इट इज उतार लिया, प्लस में एक्स स्क्वायर को एज इट इज यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार लिया और सेकंड का क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले एक्स स्क्वायर का करा 2x, y को एज इट इज उतारा, प्लस में एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारा और y का क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन में dx प्लस, देखो फिर से ये प्रोडक्ट में आ गया, x को एज इट इज उतारा, ये y स्क्वायर का क्या हो जाता है हमारा, 2y इंटू में y का dy अपॉन dx प्लस, फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और y स्क्वायर का क्या, एज इट इज उतार लेंगे प्लस में, यहाँ y की क्यूब है तो ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx हो जाएगा। अब जहां जहां पर भी dy अपॉन dx टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे, तो ये पहली टर्म ये है, फिर सेकंड टर्म 2xy dy अपॉन dx है और ये थर्ड टर्म ये वाली है। इन तीनों को एक जगह रख लिया और इक्वल टू में जो बाकी के बचे थे उनको इक्वल टू में ले गए, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2xy इकट्ठे लिख लिया, इन सब में तीनों टर्म्स में से dy / dx कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और इन सब में से माइनस कॉमन लेके y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट में लगा दिया। तो dy / dx निकालना है हमें, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा अपना और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू में के। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने बताया था आपको 5.2 में जब भी ऐसे कभी फंक्शन आते हैं तो सबसे पहले किसका करते हैं हम, पावर का, उसके बाद फंक्शन का और फिर किसका करेंगे हम, एंगल का करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पावर का करना है, तो यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 2 है तो पावर यानी कि नीचे आ जाएगी, तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 साइन वाई हो गया पावर का। अब किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है हमारा, कॉस वाई। ठीक है, पहले पावर का कर दिया 2 साइन वाई, फिर साइन का करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस वाई, फिर वाई का करेंगे क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx प्लस में। अब इसमें देखो पहले हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स वाई है, तो कॉस का क्या होता है हमारा, माइनस का साइन एक्स, तो फंक्शन एंगल कितना है हमारा, एक्स वाई, तो माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब हमें किसका करना पड़ेगा, इसमें एंगल का करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल यानी एक्स वाई का पूरे का करना पड़ेगा और ये फिर से क्या आएगा हमारा, प्रोडक्ट रूल वाले मेथड से होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया, 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2y, जैसे साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, ऐसी 2 साइन वाई कॉस वाई क्या आ गया, साइन 2y इंटू में dy अपॉन dx हो गया, ये वाला प्लस माइनस, ये माइनस का साइन एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स को एज इट इज उतार लिया और वाई का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx प्लस। अब x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y को एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें तो dy / dx सेपरेट करना है, तो पहला फर्स्ट टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो x sin x y इंटू में dy / dx और इसकी इसके साथ करी तो ये माइनस का y sin x y आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बच गया हमारा, k है कॉन्स्टेंट था तो k का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से dy / dx कॉमन ले लिया तो साइन 2y माइनस का x साइन y और ये इक्वल टू में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो dy / dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y साइन xy अपॉन में साइन 2y माइनस का x साइन xy, ये हमारा आंसर है। अब 8 क्वेश्चन पर आएंगे, देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 दे रखा है हमें, फिर वही प्रोसीजर पे आ जाओ, पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन x हो जाएगा, फिर साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे देखो पावर का करेंगे तो 2 cos y हो जाएगा
और फिर कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, और फिर वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू में वन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये वही हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन टू एक्स हो जाएगा, ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, और ये टू कॉस वाई साइन वाई, फिर फॉर्मूला बन गया साइन टू वाई हो गया इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, साइन टू एक्स अपॉन में साइन टू वाई हमारा आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें पुट करके इजिली सॉल्व करना है। वैसे तुम्हें मैंने बताया था साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का क्या बताया था, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर रखना बहुत टिपिकल हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट x की जगह ये पुट करूंगी तो बहुत टिपिकल हो जाएगा मुझे सॉल्व करना। तो सबसे पहले इन फंक्शन में हम कुछ ना कुछ पुट करके सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं एक साइन टू आपका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, क्या होता है हमारा, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा, x की जगह टेन थीटा। तो y रखा है अभी, मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, अभी मैंने सिर्फ पुट किया। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, साइन 2 थीटा का। तो यहां पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा पुट कर दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकाल रही हूं अभी मैं, y इज इक्वल टू, देखो ये 2 तो एज इट इज, और थीटा हमने अपनी मर्जी से माना हुआ है, हमें तो dy / dx निकालना है। तो थीटा की जगह हम यहां से क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x। ये जब tan इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy / dx कितना हो जाएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब देखो टेंथ क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इन वाले क्वेश्चन में फिर से tan इनवर्स x का बच्चों अभी बताया था मैंने, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगर मैं x की जगह ये पुट करती हूँ तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे। देखो x की जगह मैंने tan थीटा पुट कर दिया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह रखो tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा हमने रख दिया x की जगह। अब मेरे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने इसकी बेसिक में बताया था आपको, क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कंप्लीट हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारा, 3 थीटा। अब हमें तो dy / dx निकालना है और थीटा आ रहा है यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू जो हमने अपनी अपने आप से मानी हुई है, तो यहाँ में थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, देखो जब ये इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो थीटा की जगह हमने लिख दिया 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी dy / dx, क्योंकि हमें y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो dy / dx निकालेंगे, 3 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या हो जाता है आपका, 1 प्लस में x स्क्वायर। अब देखो 11th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मोस्टली बच्चों इन क्वेश्चंस में x की जगह tan थीटा ही पुट किया जाता है, और लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, कौन कौन से, देखो साइन 2 थीटा का या 2x कर लो मान लो, कॉस 2 थीटा का, tan 3 थीटा का मान लो, या tan 2 थीटा का मान लो, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी वैल्यू यहाँ पर x की जगह जैसे tan थीटा, और वो भी किसमें, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसकी टर्म में, tan की टर्म में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसकी टर्म में, tan की टर्म में, ठीक है। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये भी होता है हमारा 2 साइन थीटा cos थीटा, लेकिन इसकी टर्म में नहीं, क्योंकि जब हम x को tan थीटा पुट करें तो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में, यानी कि जो हमारा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में, ऐसी cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसकी टर्म में, हमें tan की टर्म में याद करना है।
तो यहाँ पर हमारे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा इन विद अ टर्म ऑफ tan थीटा। तो x की जगह tan थीटा पुट कर दो तो cos इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा बच जाएगा हमारा, लेकिन हमें तो dy अपॉन dx निकालना है। यहाँ पे तो हमारा थीटा है दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, तो थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे किसके, x की टर्म में। तो थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, tan इनवर्स x रख दिया। तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो 2 एज इट इज आ जाएगा, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही चीज है। अब आप कहोगे ये तो मैम आप फिर भी tan रखवा रहे हो, लेकिन ये तो cos 2 थीटा का बनेगा, लेकिन रखना तो हमें tan ही है इसमें। देखो cos का बनेगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, sin में। रख दिया इसमें देखो x की जगह क्या पुट कर दिया, पहले वाले 11th क्वेश्चन की जैसे बिल्कुल tan थीटा पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको जबरदस्ती साइन 2 थीटा मत लिख देना, ये किसका बना है हमारा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी बना था। अब इसको कैंसिल आउट भी हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर cos है और यहाँ पर क्या हमारा साइन। तो अब क्या करेंगे बच्चों, cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इन जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमने कॉस 2 थीटा को क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा रख दिया। अब देखो ये साइन साइन हो गया ना, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, क्या बच गया हमारा पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा को फिर से चेंज करेंगे किसमें, टेन में, तो माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे देखो पाई बाई 2 तो क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। माइनस में 2 tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो इसमें भी वही हो गया, x की जगह क्या रख दिया हमने, tan थीटा पुट करा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो उस 12th क्वेश्चन में हमारा क्या बन गया था, साइन था तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर कॉस है तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, लेकिन साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है ना, 2 tan। अगर देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अगर माइनस हो जाता ना, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता, ठीक है। प्लस की जगह tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ये किसका बनेगा, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने साइन 2 थीटा पुट कर दिया। अब हमारे पास कॉस है, फिर से वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा था, साइन की जगह हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा रख दिया। कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह फिर से वही करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में 2 tan थीटा, 2 थीटा की जगह 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस में 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह साइन थीटा पुट करा मैंने, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसकी जगह साइन 2 थीटा रख दिया, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या बच गया हमारा, 2 थीटा। और थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीवाई अपॉन डीएक्स 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक यहाँ पर कई बच्चों के एक कंफ्यूजन हो सकती है, देखो क्या, अगर मैं यहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट कर दूं, आंसर यही आएगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स, क्योंकि जरूरी नहीं है आप साइन थीटा ही पुट करो, cos थीटा भी कर सकते हैं, 2 cos थीटा अंडर रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला तो ये फिर भी वही बन गया, साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू में ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये भी वही चीज आ गई।
अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा आपका, टू थीटा, थीटा की जगह आपकी बार मैंने क्या माना हुआ है, कॉस थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे तो जब साइन थीटा माना तो टू साइन इनवर्स एक्स आ गया, अब जब मैंने कॉस थीटा माना तो टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तो अब जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का टू अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये आंसर भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपने जो लेट किया है, जो माना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसीलिए डिफ्रेंशिएशन में कई बार आंसर जो है हमारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर आपने साइन थीटा, कोई बच्चा साइन थीटा पुट करके करेगा तो ये आंसर आ जाएगा, और कोई कॉस थीटा पुट करके करेगा तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर दोनों ही हमारे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर क्या है, हमें x की जगह हम रखेंगे cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sec इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो sec इनवर्स, देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं ना, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो हमारा कौन सा यूज हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, cos 2 थीटा रख दिया, 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec होता है, तो ये sec 2 थीटा हो जाएगा, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बच गया, थीटा की जगह हम रख देंगे cos इनवर्स x, और तो dy / dx करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों।